सुप्रभात छात्रों, आज हम 12वीं क्लास की पहली कक्षा की पढ़ाई करेंगे। इसमें हम बोर्ड पैटर्न पर आधारित कक्षाओं को संचालित करेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार से बोर्ड पैटर्न पर प्रश्न पत्र आपके आते हैं, उसी प्रकार हम कक्षाएं संचालित करेंगे और उसमें तमाम सारी चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि बोर्ड प्रश्न पत्र में सबसे पहला खंड आपका खंड का होता है, जिसमें अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश शामिल होते हैं और उन गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं और जो प्रश्न उन्हीं गद्यांशों में उनके उत्तर छिपे रहते हैं, बस उनको हमको पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से। किस तरह से उनका उत्तर निकालना है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। बारीकी देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, कौन से प्रश्न के उत्तर कहाँ छिपे होते हैं और उन्हें किस तरह से हल करना है, ये तमाम सारी चीजें आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश, जैसा कि शब्द से ही आधा अर्थ इसका समझ में आ जा रहा है। अपठित गद्यांश, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द अपठित है तथा दूसरा शब्द गद्यांश है। अब इसमें हम सबसे पहले पहले शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पहले शब्द का क्या अर्थ है? अपठित, अपठित मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अ उपसर्ग है और पठित मूल शब्द है। अब पठित में भी मूल शब्द पाठ है और उसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह अ का अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। इस प्रकार अपठित का अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि जो बिना पढ़ा हुआ हो उसे हम अपठित कह सकते हैं। अपठित का अर्थ जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो उसे हम अपठित कहेंगे। इसी तरह गद्यांश, गद्यांश का अर्थ भी हम उसके शब्दों से ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि गद्यांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द गद्य है और दूसरा अंश। गद्य और अंश दोनों मिलकर गद्यांश का निर्माण करते हैं। इस तरह गद्य का अर्थ होता है वह लेखनी या वह भाषा जिसमें शिल्प सौंदर्य की प्रचुरता ना हो या उसमें रस, छंद, अलंकार ऐसी चीजों का वर्णन ना हो, इन सब का उसमें कहीं जिक्र ना किया गया हो, इसे हम गद्य कहते हैं। और संपूर्ण गद्य का कोई एक छोटा सा अंश ही गद्यांश कहलाता है। अंश का अर्थ होता है भाग। तो किसी भी दीर्घ गद्यांश का या बड़े अवतरण का एक छोटा सा अंश, एक पैराग्राफ ही गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के कुछ प्रमुख विषय वस्तु हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला, शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का ज्ञान और शिल्प सौंदर्य। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर ही अपठित गद्यांश का निर्माण होता है और इन अपठित गद्यांश में ये सभी मूल तत्व तो उसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले हम शीर्षक का चुनाव बिंदु को उठाते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। शीर्षक का चुनाव, शीर्षक का चुनाव करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शीर्षक ही किसी पैराग्राफ या गद्यांश का आकर्षण बिंदु होता है। वही उस पूरे पैराग्राफ का केंद्र होता है, जिसपे पूरा अवतरण आपका केंद्रित होता है। इस तरह शीर्षक का चुनाव करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले शीर्षक चुनते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि शीर्षक संक्षिप्त व आकर्षक हो। बहुत लंबा या बहुत बड़ा दीर्घ ऐसे शीर्षक को चुनने से बचना चाहिए और शीर्षक ऐसा हो जो लोगों को एक नजर में ही आकर्षित कर ले, अपनी ओर लालायित कर ले। तो इस तरह के शीर्षक होने चाहिए जो एक नजर में ही लेखक को या परीक्षक को
तुरंत उसके मन को छू जाए। दूसरी चीज है, मूल तथ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी जो भी पैराग्राफ या जो अवतरण या जो गद्यांश दिया हुआ है वह मूल तथ्य से जुड़ा होना चाहिए, यानी वो जो पूरी कहानी है वो सारगर्भित ढंग से होनी चाहिए, उसमें मूल बात को ध्यान में रख के, उसको केंद्र में रख के उसके इर्द गिर्द सारे भावों को रखना चाहिए। दूसरी तीसरी चीज है गद्यांश पर केंद्रित भाव, यानी जो उसका भाव है वो गद्यांश पे ही केंद्रित हो, उसके इधर उधर या इतर ना हो, जिससे पाठक को समझने में आसानी हो। जो पैराग्राफ या जो गद्य का अवतरण या गद्यांश दिया हुआ है वह बहुत दीर्घ लेवल पे ना हो, बहुत बड़े लेवल पे ना हो, ताकि एक ही बार या दो बार उसको पढ़ने में समझ में आ जाए, उससे अतिरिक्त कुछ किसी को ना पढ़ना पड़े। दूसरा बिंदु है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान होना इसमें बहुत ही आवश्यक है। उसमें क्या क्या चीजें निहित हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे विषय वस्तु का पहला बिंदु है गद्यांश में ही उत्तर। हमको सबसे पहले उस गद्यांश में ही उत्तर ढूंढना होगा, उसके बाहर से अपने आप से या स्वयं से उत्तर देने का कभी प्रयास ना करें। जो गद्य में दिया हुआ है, जो गद्यांश में दिया हुआ है, उसी में से हमको आंसर ढूंढना है और उत्तर उसी से मिलते जुलते अपनी भाषा में लिखना है। दूसरे बिंदु पर हम आते हैं। दूसरा बिंदु है बाहरी कड़ी का निषेध। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारा गद्यांश दिया हुआ है उसी में से ही हमको उत्तर ढूंढना है और उसी से हमको उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। उसमें कोई बाहरी विषय वस्तु या बाहरी कड़ियों को नहीं जोड़ना है। तीसरा बिंदु है संक्षिप्त उत्तर व सारगर्भित। इसमें हमको ध्यान देना है कि जो हमारा उत्तर है वह बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अधिक शब्दों में न देकर संक्षिप्त में देना है और वह सारगर्भित हो। सारगर्भित का अर्थ है कि वह अपनी बातों को कह ले जाने में सक्षम हो। हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपनी बातों को दो या तीन लाइन में लिखें और वह अपने भावों को प्रकट करने में सक्षम हो। तीसरा बिंदु हमारा शिल्प सौंदर्य है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शिल्प सौंदर्य का अर्थ होता है किसी चीज की बनावट या रचना। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लें कि हमारा एक विद्यालय ही है। यह विद्यालय अगर ये कहा जाए कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में क्या अंतर है, तो भाव सौंदर्य का अर्थ अगर आप इस विद्यालय से ले रहे हैं तो इस विद्यालय में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो ज्ञान दिया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, ये सारी चीजें भाव सौंदर्य से जुड़ी हुई हैं। जबकि यह किस किस चीज से मिलकर बना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें शिल्प सौंदर्य में आ जाती हैं। उसी प्रकार से इस गद्यांश में भी हम ये देखेंगे कि शिल्प सौंदर्य में किन चीजों से मिलकर इस गद्य का निर्माण हुआ है, अर्थात इसकी शैली कैसी है और भाषा कैसी है, उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम है, तद्भव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, देशज भाषा है, विदेशज शब्द है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं और उसी के आधार पे उनमें से कुछ शब्दों का हम चयन करके अपनी भाषा में उसको उत्तर में शामिल करते हैं। अपठित गद्यांश की कुछ और मूल बातें हैं, आइए इनको भी जान लेते हैं। जैसे कि पूरे गद्यांश को सबसे पहले अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका हल ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले पूरे गद्यांश को एक बार आप ध्यान पूर्वक पढ़ लें। इसके बाद जो इसका आशय है वह अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर करते जाएं, अर्थात मूल भाव पैराग्राफ का क्या कहना चाहता है यह अपने दिमाग में पहले से ही फिट कर लें, सेट कर लें। दूसरा पॉइंट है कि गद्यांश के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा पूरा पैराग्राफ अगर गद्यांश समाप्त हो गया, हमने एक बार पूरा पढ़ लिया, तो दूसरी बात उसके नीचे जो दिए गए प्रश्न होते हैं उनको भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोबारा हम अपनी प्रक्रिया पुनः शुरू करते हैं
तीसरा पॉइंट जैसे दिया हुआ है कि पुनः गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित करें। तो इस प्रकार पहले ही हमने दिमाग में अस्थायी रूप से भाव को अपने मन मस्तिष्क में बसा लिया है, तो उसी के आधार पर हम दोबारा जब गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और जो प्रश्न हमने नीचे पढ़े हैं उनका उत्तर जैसे जैसे हमको पैराग्राफ में मिलता जाता है उसे हम पेंसिल से उसके नीचे रेखांकित करते जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है कि प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दें, यानी ये बातें मैंने पहले ही आपको बता दी थी शुरुआत में ही कि अपनी तरफ से गद्यांश में कुछ भी जोड़ना नहीं है, जो आप उत्तर दे रहे हैं वह गद्यांश पर ही आधारित। तो प्रश्नों के उत्तर हमको गद्यांश के आधार पर ही देने हैं, अपनी तरफ से बाहरी कड़ियों को नहीं जोड़ना है। ध्यान हमको ये देना है कि जो हमारे उत्तर हैं वह सिर्फ अपने शब्दों में हों। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि गद्यांश में उत्तर वाक्यांश के रूप में हो, वाक्यांश अर्थात वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, कुछ वाक्यांश के रूप में अगर दिए गए हों तो उनको हम अपनी भाषा में संपूर्ण वाक्य में लिखेंगे, यानी अगर आधा अधूरा सेंटेंस है, आधा अधूरा वाक्य है, तो हम उसे अपनी भाषा में पूरे वाक्य में बनाकर लिखेंगे, ना कि जैसे पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी तरह ज्यों का त्यों हम उत्तर पुस्तिका में लिख दें। सबसे जरूरी बात यह होती है कि प्रश्नों के जितने भी उत्तर आप दे रहे हैं वह सभी संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट व सरल भाषा में हों। प्रायः देखते हैं कि बच्चे कुछ लिखने के चक्कर में, कुछ अधिक परीक्षक को प्रभावित करने के चक्कर में ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। तो हमें क्लिष्ट शब्दों से, कठिन शब्दों से बचना है, सरल भाषा का प्रयोग करें और उत्तर संक्षिप्त दें, छोटा दें, जिससे कि पूरा भाव स्पष्ट हो सके और उत्तर अपने भाव को पूरी रूप से, पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सके। इस तरह इस प्रकार के हमको उत्तर देने हैं। अंतिम है कि शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान दें कि शीर्षक गद्यांश पर ही केंद्रित हो, यानी हमने जितने भी पॉइंट्स को पढ़ा है शुरू से लेकर अंत तक हम यह ध्यान देंगे कि वह पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, गद्यांश पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या सेट हो रहा है, वो किस बारे में कहना चाहता है, किसको केंद्र में रखकर वो सारी बातें कही जा रही हैं। तो जिस बिंदु को केंद्र में रखकर वह सारी बातें कही जा रही हैं वही बातें ही आपका शीर्षक कहलाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से गद्यांश को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए ध्यान देते हैं कि किस तरह से गद्यांश को हल करना है। सबसे पहले गद्यांश को हम पूरा पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। संसार की दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार्य दोनों शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं होती है। निस्संदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिर अस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों ही की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त है। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिर अस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी, वे कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता व सफलता प्राप्त की थी। पूरे गद्यांश को पढ़ने के अब हम प्रश्नों को देखेंगे। जैसे इसमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें। सज्जन व्यक्ति कैसे संसार को राह दिखाते हैं।
जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र किसके रूप हैं? शब्द शक्ति और व्यवहार शक्ति में क्या अंतर है? गांधी जी की महानता क्या थी? तो इन प्रश्नों के बाद हम दोबारा प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और वहां से जैसे जैसे इन सब का उत्तर मिलता जाता है उसे हम रेखांकित करते जाएंगे। जैसे पूरे गद्य अवतरण को पढ़ने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में क्या पहली बात उभर के सामने आती है कि यह पूरी बात किस पर कही जा रही है, जैसे कि यह क्या यह गद्यांश गांधी जी के बारे में कहना चाहता है? नहीं। क्या कस्तूरबा गांधी जी के बारे में कहना चाहता है? बिल्कुल नहीं। यह पूरा गद्यांश अगर किसी पर केंद्रित है तो वह है वाणी और कर्म, यानी यह पूरा गद्यांश वाणी और कर्म के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसी को केंद्र में रखकर पूरे गद्यांश की रचना की गई है, जो हमको पहली ही लाइन में नजर आ रही है, वाणी और कर्म, यानी संसार की दो अचूक शक्तियां हैं वाणी और कर्म। तो इस पहली ही लाइन में आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है, तो इसको हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। हम यह भी ध्यान देंगे कि परीक्षक कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है कि आपकी पहले दो लाइनों में अंतिम के प्रश्न का उत्तर छिपा हो। यह पूरी तरह से आरोह क्रम में चलता है, यानी सबसे पहले दो लाइनों में सबसे पहले प्रश्न के उत्तर छिपे होंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह अगले प्रश्नों का उत्तर उसमें छिपा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गद्यांश में अंतिम प्रश्न का उत्तर पहले दो लाइनों में हो, उसके बाद इस तरह हो, यानी हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे हमको उत्तर उसी तरह आगे मिलता जाएगा, यानी जो हमने पहले लाइनें पढ़ चुकी हैं, जो हमने पैराग्राफ सॉल्व कर चुका है जहां तक, उसके आगे से हमको अगले उत्तर को ढूंढना चाहिए, ना कि शुरू से फिर से दोबारा हमको पढ़ना चाहिए। इस तरह आपका समय अधिक लगेगा और आपको उतना समय दूसरे उत्तर के लिए बचा के रखना है, इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि बार बार पैराग्राफ को न पढ़ें, जैसे हमारा उत्तर जहां तक मिल जाता है वहां एक बिंदु लगा दें और उससे फिर आगे अगले उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें। अगला है कि कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। जैसे दूसरा प्रश्न हमारा है कि सज्जन व्यक्ति कैसे संसार को राह दिखाते हैं। अब हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमारी दूसरी लाइन में मिल गया। जैसे सज्जन व्यक्ति लोगों को वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ कर्म से, यानी इसका उत्तर दूसरी और तीसरी लाइन में मिला जुला है, यानी सज्जन व्यक्ति जो संसार को राह दिखाते हैं वह सज्जन व्यक्ति अपने कर्म एवं वाणी से लोगों को राह दिखाते हैं, यानी संसार को राह दिखाते हैं। अब यह वाक्यांश के रूप में दिया हुआ है, हमको ध्यान देना है। हमने हमने पढ़ा है कि कहीं भी अगर कुछ आपकी बातें जो है वाक्यांश में लिखी हो तो उसे अपने शब्दों में ही लिखना है, यानी आप ध्यान से देखिए, कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से, तो ये वाक्यांश है, ये से या कारक चिन्हों पे किसी शब्द का अंत नहीं होना चाहिए, तो इसे हम वाक्यांश के रूप में न लिख के संपूर्ण वाक्य के रूप में लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि प्रायः सज्जन व्यक्ति अपने कर्म एवं वाणी से संसार को राह दिखाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान देंगे। जैसे जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र किसके रूप में है, इसका भी उत्तर आपको अगली पंक्ति में मिल जाएगा। जैसे कि ऊपर के तीन पंक्तियों को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि हमने वहां तक इस गद्यांश को हल कर चुके हैं, तो इससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे लिखा हुआ है, विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक हैं, तो यही हमारा उत्तर संपूर्ण है। यह आप जैसे लिखा हुआ है उसी तरह आप लिख सकते हैं, पूरे
संपूर्ण वाक्य के रूप में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, शब्द शक्ति और व्यवहार शक्ति में क्या अंतर है? अब जहां तक हम पैराग्राफ को सॉल्व कर चुके हैं, अब उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिर अस्थाई और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। अब इसको भी हम अपने पूरे अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने रूप में लिखेंगे। मूल तथ्य हमारा वही रहेगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका हम अपने रूप में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे शब्द शक्ति और व्यवहार शक्ति में क्या अंतर है? तो निश्चित रूप से हम लिखेंगे कि शब्द शक्ति महान है, लेकिन सनातनी शक्ति चिर अस्थाई है और वह व्यावहारिक है। यह सीधा सा उत्तर है। इस तरह हम उत्तर को तोड़ मरोड़ के, वाक्य को तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे परीक्षक को समझने में और आसानी होगी। अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान देंगे। जैसे गांधी जी की क्या महानता थी? अब आधे पैराग्राफ तक, आधे गद्यांश तक हमने सॉल्व कर लिया है, वहां से आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने इन दोनों ही दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त है। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। यानी यहां तक ये उत्तर है। अब हमको ये ध्यान देना है कि उत्तर, प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पे लिखें, ना कि यहां से लेके और यहां तक। कुछ छात्र क्या करते हैं कि जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, यहां महात्मा गांधी शब्द जहां आया और वहां से लेकर अंत तक लिखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रश्न का उत्तर सटीक ना होकर वह बिखर जाता है। इस तरह परीक्षक ऐसे उत्तर को देख के ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसलिए हमको सीधे तौर पर स्पष्ट और सरल भाषा में उत्तर देनी है, देना है। तो सीधे तौर पे इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि गांधी जी जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता थी। इतना ही, एक लाइन का उत्तर है। इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पद्यांश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी छात्र ये जो गद्यांश है, इसी तरह के पांच पांच गद्यांश हल करके फिर कक्षा में आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।